गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मितेन पुनिया ऑनलाइन क्लासेस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टुडे वी आर डिस्कसिंग द पार्ट टू ऑफ चैप्टर 5 साउंड ऑफ क्लास 9th। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साउंड वेव, टाइप ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल वेव, वी है Describe them graphically. Now in this part we have discussed about the simple characteristics of a sound wave. जो एक साउंड वेव है उसकी क्या क्या सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम उसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो जो सेंटर पॉइंट होता है लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के ऊपर, यहाँ पे पार्टिकल जो ये लाइन है, सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर पार्टिकल नॉर्मली असाइन होते हैं। उनके बीच में जो गैप है वो बराबर रहता है, डेंसिटी नॉर्मल रहती है, इसलिए हम इसको जीरो डिस्टरबेंस या लाइन ऑफ नॉर्मल डेंसिटी भी बोलते हैं। तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पे हम डेंसिटी लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेते हैं, तो देखिए जब पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, अगर वो ऊपर जा रहे हैं डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, हाई पिक को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ऐसे ही जब वो डाउन जाता है, डेंसिटी डाउन कम होती है, तो उस लोअर पॉइंट को हम ट्रफ बोलते हैं। तो जो दो सक्सेसिव क्रस्ट आते हैं या दो सक्सेसिव ट्रफ आते हैं, जो उनका डिस्टेंस होता है बीच का, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोला जाता है। यानी कि वेव कितनी बड़ी है वो कैसे पता लगता है हमें, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का। अब ये देखिए, जो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से ऊपर कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, या नीचे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। मीन्स कितना ऊंचाई पे वो, कितनी पीक हाई बनी है, कितना पीक डाउन बनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। मेनली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो साउंड वेव की होती हैं। उसमें सबसे फर्स्ट आता है वेवलेंथ। मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। तो वो कम से कम वो डिस्टेंस जिसमें एक साउंड वेव अपने आप को रिपीट कर लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। देखिए यहां से एक वेव चला, उसके चलने के बाद यहां पे वो वेव कंप्लीट हो जाती है, एक वेव। ऐसे ही सेकंड वेव शुरू हुई, वो यहां पे कंप्लीट हुई, तो जो क्रस्ट यहां पे आया उसने दोबारा क्रस्ट को रिपीट कहां हुआ, ये एफ पॉइंट के ऊपर। ऐसे ही जो ट्रफ डी पे आई थी वो एच पे रिपीट हुई। तो रिपीटेशन, जब एक वेव अपने आप को रिपीट करती है, मिनिमम कितने डिस्टेंस में वो रिपीट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और इसको हम किस साइन से डिनोट करते हैं, लैम्बडा से। और ऐसा ही यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस है तो मीटर में हम इसको मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद देखिए एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडिया फ्रॉम लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस। जो लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस है यहां वाले, जहां पे नॉर्मल थे पार्टिकल, उससे वो कितना ऊपर वाइब्रेट हुए, कितने उसके अंदर डिस्टर्बेंस हुई है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम फ्रॉम लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, इट इज डिनोटेड बाय ए। इसका सिंबल क्या है, ए है। और ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। एम यानी कि डिस्टेंस, ये तो मीटर में ही मापते हैं। टाइम पीरियड देखिए क्या होता है, कि एक वेव, सिंगल वेव जो यहां से शुरू हुई और यहां तक बनी है, एक सिंगल वेव, उसको कितना टाइम लगा बनने में, कितने सेकेंड में वो बनी है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। The time required to produce one complete wave is known as time period and it is denoted by T. Capital T इसका साइन होता है और इसकी ऐसा यूनिट सेकेंड होती है S. इसके बाद देखिए आगे फोर्थ characteristics क्या है, frequency. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कि एक सेकंड के अंदर वो कितनी वेव बनी है। द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव इन वन सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। एक सेकंड में कितनी वेव बनी, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, दो सिंबल्स हम यूज करते हैं जनरली, एक होता है एफ स्मॉल लेटर में जो एफ होता है, और एक होता है न्यू, एन यू। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, हर्ट्ज, एच जेड, इसको हम सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। फिफ्थ पे देखिए जो लास्ट वन इसकी सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ वेव और स्पीड ऑफ वेव। एक सेकंड के अंदर एक वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ अ वेव, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन वन सेकंड। एक सेकंड में वो कितनी
डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अ वेव। इसको डिनोट किससे करते हैं, वी से। ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो फॉर्मूला स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो उसी हिसाब से जो ऐसा यूनिट है वो क्या बनते हैं, मीटर पर सेकंड, एम बाय एस। अब इसके बाद रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड एंड वेव इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। देखिए जो फ्रीक्वेंसी होता है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के, यानी कि जो एफ है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड के। यानी अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो टाइम पीरियड नॉर्मली है वो क्या होगा, कम होगा। वेव इक्वेशन देखिए कैसे डिराइव करते हैं, आपको पता है जो वेलोसिटी है या स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हमने ग्राफ बनाया था पीछे, तो वो देखिए आप क्या था, ग्राफ के अंदर जो डिस्टेंस था वो आपने क्या मेजर किया, वेवलेंथ। तो टाइम पीरियड टी होता है, तो लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इज लैम्बडा इन टाइम टी, देन जब वेलोसिटी है वो किसके बराबर आएगी, लैम्बडा अपॉन टाइम टी। वी इज इक्वल टू, अब इसी वेव इस इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लैम्बडा इंटू वन बाय टी। अभी आपने ऊपर एक रिलेशन देखा जो वन बाय टी है, एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी किसके साथ रिलेट करते हैं, वन बाय टी के, एफ इज इक्वल टू वन बाय टी। जो ये वैल्यू है अगर हम इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन वी इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ, जो आपकी वेलोसिटी है साउंड वेव की वो किसके इक्वल आ जाते हैं, लैम्बडा वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। जो ये इक्वेशन है सेकंड, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर इन दोनों रिलेशंस के न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो बेसिक कॉज है साउंड का वो क्या होता है, वाइब्रेशन। जैसे कि हम क्लास 8th में भी पढ़ते हैं कि जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेटरी मोशन से। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो साउंड है वो वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस करते हैं जो ट्रॉट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर पतली सी स्लिट होती है जिसमें से एयर पास करती है, जो ये वोकल कॉर्ड्स हैं। जब हवा पास करती है तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस गैप कम हो जाता है, तो वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। जो ये वाइब्रेटरी मोशन होगा वोकल कॉर्ड का, ये क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखें, अगर हम ड्रम है उस ड्रम की मेम्ब्रेन को बीट करते हैं स्टिक से, तो मेम्ब्रेन से क्या होता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, वो वाइब्रेशंस क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड वेव इज अ मटेरियल वेव, आपको पता है कि मैकेनिकल वेव होती है, तो इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपेगेशन के लिए। उसके बाद देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, जब साउंड ट्रेवल करेगी एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो कुछ ना कुछ उसकी माइनस स्पीड होगी, उस स्पीड को कौन कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट वन है नेचर ऑफ मीडियम, कि जो आपकी स्पीड है साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मीडियम पे, यानी कि वो किस मीडियम से ट्रेवल कर रहा है, सॉलिड से कर रहा है, लिक्विड से कर रहा है या गैस से कर रहा है। अगर आपको पता है कि सॉलिड में पार्टिकल के बीच में गैप कम होता है तो वाइब्रेशंस ज्यादा होते हैं, जहां पे वाइब्रेशन ज्यादा होंगी वहां पे स्पीड भी ज्यादा होगी। तो स्पीड ऑफ अ साउंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ मटेरियल एज इट ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन लिक्विड देन गैस, सबसे ज्यादा किसमें, सॉलिड में स्पीड है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। सेकंड पॉइंट क्या है, डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है वो कितने क्लोज है, मीन्स आपको पता है जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी उस मीडियम के अंदर। टेम्परेचर देखिए, आपको पता है जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मीनिंग है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाटर वेपर इन एयर, जैसे जैसे पानी के वेपर है वाटर वेपर इंक्रीज करेंगे, जो स्पेस है एयर के अंदर कम होगा, स्पेस कम होने से वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगी और जो स्पीड है साउंड की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस पार्ट के अंदर हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है, रिलेशंस पढ़े हैं और फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड पढ़े। इस बेस के ऊपर, स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर, आप थंडरिंग और लाइटनिंग का इक्वेशन पढ़ते हैं,
कि जो लाइटनिंग होती है और थंडरिंग जब होती तो साइमल्टेनियसली है, लेकिन अपियरेंस उनकी अलग अलग टाइम पे होती है। लाइट पहले अपियर हो जाती है, उसके बाद साउंड आते हैं। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर वो 330 होती है, और जो स्पीड ऑफ लाइट है 3×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जो साउंड की स्पीड अब ज्यादा होने के कारण क्या है, वो सॉरी जो स्पीड ऑफ लाइट अब वो ज्यादा है, इसलिए वो इजिली फास्टली मूव करती है एज कम्पेयर टू साउंड। तो लाइटनिंग हमें पहले अपीयर होती है, आफ्टर दैट साउंड। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।